हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणास गुड लाइफ। आज हम कोल्हापुर स्टाइल की मिसल पाव रेसिपी ट्राई करेंगे। चलिए कैसे बनाते करके देखेंगे। उसमें मैंने मटकी ली हूँ, इसको दो दिन भिगो के मैंने उसका स्प्राउट्स निकाली हूँ। एक वेसल लीजिए, उसमें इस मटकी को डाली है। मटकी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। और उसको आप 1 से 2 लीटर तक पानी मिलाइए। मैं क्यों ज़्यादा पानी डाल रही हूँ बोला तो, इसका स्टॉक चाहिए, वो स्टॉक से ही मेरा हमारा वो तरी बनते हैं ना ग्रेवी, वो बनाएंगे। और इसको एक लीड कवर करके इसको 1-15 मिनट तक बॉईल कीजिए पकने तक। और मैंने गोबर और कांदा ली हूँ, इसको गैस के ऊपर भूनी हूँ अच्छे से, इससे अच्छा स्मेल आता है। हम लोग वाटन का तैयारी करेंगे। एक पैन पे 1 स्पून ऑयल, जीरा और पेपरकॉर्न और 10 से 12 लवंग, 1/2 इंच दालचीनी और 2 इलायची, इसको अच्छे से भुनने का, बर्न नहीं होने का। और 10 गार्लिक और 1/2 इंच अदरक, सबको अच्छे से भून लीजिए। और 1 टेबल स्पून धनिया, सबको स्लो फ्लेम पे रख के अच्छे से भूनने का, जलाने के नहीं। और हम लोगों ने गोबर को भून के रखे थे ना गैस के ऊपर, वो लेने का, उसका छोटा क्यूब बनाइए, उसको ऐड कीजिए। इससे स्मोकी स्मेल आते हैं ना, इससे वो तरी बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है, अच्छे से लगता है। और कांदा, इसका एक नाइस पेस्ट बनाइए, बहुत नाइस होने का। और हम लोग तरी का तैयारी करेंगे। एक वेसल लीजिए, उसमें तेल डाल के, थोड़ा तेल ज़्यादा होना चाहिए, उसमें कांदा ऐड कीजिए और अच्छे से पिंकिश ब्राउन होने तक की फ्राई किया तो बस। और गैस का फ्लेम को स्लो कीजिए। और उसमें कोल्हापुरी मसाला, कांदा लहसुन की मसाला, उसको 3 टेबल स्पून ऐड कीजिए। और 1 स्पून चिल्ली पाउडर और 1/2 टीस्पून टर्मरिक। ये मसाला डालने के टाइम पे आप गैस को बहुत स्लो फ्लेम पे रखने का, नहीं तो मसाला जल जाएंगे। देखिए मसाले अच्छे से भुनने का, देखिए अभी मसाला भून के हो गया है। अभी हम लोग पेस्ट बनाए थे वाटन का, वो वाटन हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इसको तेल छूटने तक अच्छे से फ्राई करने का। मैंने लास्ट मंथ में मैं महालक्ष्मी टेम्पल गई थी कोल्हापुर पे, तभी ये मैं मिसल पाव को टेस्ट की थी। अमिता बहुत अच्छे थे, लेकिन उस होटल का सर्विस बहुत बुरा था, लेकिन कुछ भी बोलिए बहुत अच्छे थे। इसलिए मैं आज का रेसिपी वही बनाएंगे करके इसका रेसिपी दिखा रही हूँ। देखिए हमारा ये तेल छूट रहा है वाटन का, देखिए तेल छूट गया है। इतना होने के बाद आपका ये मसाला रेडी है। इसमें हम लोगों ने मटकी बॉईल करके लिए थे ना, उसका स्टॉक था ना, वही पानी इसमें आप ऐड करने का, उसमें वो फ्लेवर अच्छे से आते हैं और वो हेल्दी भी है। इसको ऐड कीजिए। आपको कितना पानी चाहिए इतना ऐड करके, और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको 20-30 मिनट्स तक आप इसको पकाने के देने का। हम लोग मटकी का उसल तैयारी करेंगे। एक पैन पे 1 स्पून ऑयल और 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स, बस इतना ही। वो चटपटा होने के बाद आपका मटकी है ना, उसको ऐड कीजिए।
और एक स्पून हमारा कोल्हापुरी कांदा लहसुन की मसाला और एक आधा स्पून चिल्ली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, सबको अच्छे से मिलाइए और थोड़ा सा आधा टेबल टी स्पून टर्मरिक उसको ये ऐड कीजिए। एक 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कीजिए कोरिएंडर डाल के। और हम अभी बटाटा भाजी की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन पे तेल, राई, जीरा, चिल्ली और कड़ी पत्ता इस सब को डाल के अच्छे से फ्राई की हूँ चटपटा होने तक। हम लोग और थोड़ा सा हींग डाली हूँ मैं। मैंने स्लाइस किया हुआ कांदा ली हूँ। मुझे बड़ा स्लाइस अच्छा नहीं लगता है, मुझे मुंह पे कांदा नहीं मिलने का ज़्यादा तक। इसके लिए मैं थोड़ा छोटे से स्लाइस बनाई हूँ। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। देखिए ये ब्राउन हो गया है। मैंने पहले से ही 2 आलू को उबाल के उसको बॉईल करके रखी थी, उसका मैंने मैश करके रखी हूँ, उसको ऐड करेंगे। उसके पहले आधा स्पून हलद, इसको भी अच्छे से फ्राई कीजिए। और हम लोगों ने बॉईल करके मैश किया हुआ पोटैटो को ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से उसको मिलाइए आप। थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से फ्राई करके इसको कोरिएंडर से लास्ट टचअप दीजिए। कोरिएंडर के बिगैर रेसिपी अधूरी है, मुझे तो बहुत पसंद है। धनिया इसको डाल के इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। चलिए हम लोगों का तरी तैयार हो गया करके देखेंगे। देखिए पूरा तरी बिल्कुल तैयार हुआ है, पूरे की पूरा तेल ऊपर दिख रहा है आपको। इस कंटेंसी तक आपको इसको बॉईल करने का। देखिए चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए गाइस एमी बहुत अच्छे से तरी बन गया है। चलिए इसका हम लोग प्लेटिंग बनाते हैं। पहले मैंने बटाटा का भाजी बना के रखी थी ना, वो थोड़ा ऐड करें पहले डालेंगे प्लेट के पहले वो हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद मटकी के उसल वो डालेंगे और हमारा तरी और हम लोगों ने शेव लिया था, मतलब घाटी का एक मिक्सचर है ये, इसको मैंने डाली हूँ। उसके ऊपर फिर से थोड़ा तरी डालती हूँ और कांदा कोरिएंडर के साथ इसको अच्छे से डेकोरेशन करती हूँ। मतलब प्लेटिंग करने के लिए कांदा और धनिया तो चाहिए ही, उससे थोड़ा वो कलरफुल दिखेंगे। इसके लिए मैंने उसको ऐड की हूँ और उसका बिना ये अधूरी है। मैंने ऐड की और उसमें साइड पे मैंने बारीक से कटा हुआ धनिया और कांदा को रखी हूँ और थोड़ा पाव को मैंने गरम करके थोड़ा सेक ली थी घी से, उसको मैं साइड पे रखी हूँ। और एक नींबू, थोड़ा
तरी कोल्हापुर जाने की ज़रूरत नहीं है मिसल पाव खाने के, आप घर पे ही बना के खा सकते हैं। इस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।